मुझे उल्लू चाहिए। उल्लू है? नहीं उल्लू नहीं, उल्लू जैसा आदमी मेरे सामने है। उल्लू जैसा आदमी कहाँ है मुझे बोलने आप? एक, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच। उल्लू के नाखून से जादू होता है, उल्लू के खून से जादू होता है, उल्लू की चोंच से। अम्मा को जब मैं दिखाऊंगा, मेरी जो वालदा है, मोहतरमा है, वो जब देखेंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो भी बड़े मजे का देखने वाला होगा। तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। अस्सलाम वालेकुम खवातीनो हजरात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अरे भाई साहब, मतलब मुझे तो सलाम भी नहीं करा जा रहा, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है, इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई साहब, अरे भाई ये तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया। ये चश्मा मैंने सिर्फ शशके के लिए लगाया हुआ, असली में मुझे चश्मा नहीं लगा हुआ। भाई सीन ऐसा है, आज मैं एक ऐसी चीज लेने जा रहा हूँ, मतलब आहा, मैं इतना परेशान। मैंने बोला यार क्या हो गया? वो एक ऐसी चीज है, उससे थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है और उसको लाने की भी बहुत ज्यादा ख्वाहिश है। क्या करूँ, क्या बोलते आप लोग? चश्मा अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा चलो उतार देता हूँ, अच्छा लग रहा है पहन ले दो। अरे यार आप तो एक लोग कमेंट्स में इतनी इधर उधर की बातें करते रहते हो, कभी ये बोलते हो कभी वो बोलते हो, कुछ समझ ही नहीं आता एक बात पे मुत्तफिक क्यों नहीं होते तुम लोग सब। आ दूं? अच्छा यार ये लो यार, बस इसको कहाँ रखूं, जेब में रख लेता हूँ। मैं ये कह रहा था अभी मैं जा रहा हूँ वो चीज लेने के लिए। चलो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, कोई देख तो नहीं रहा? 9, 10, 11, 12, 13। भाई ये बहुत सारा पैसा ले लिया है और वो चीज जो मैं लेने जा रहा हूँ ना वो बहुत महंगी है। महंगी समझते हो ना? अच्छा बहुत महंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जेब कतरे भी घूम रहे होते हैं और स्नैचर्स का भी डर होता है। ये पैसा कहाँ रखूँ? हाँ अब किसी का बाप भी नहीं देख सकता। आहा बहुत चंगा ना, मैं चलते हैं उस चीज को लेने के लिए, बहुत एक्साइटेड हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो, आ जाओ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आ जाओ। अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मुझे डर भी लग रहा है कोई देख ना ले। मेरी मर्सिडीज बेंज आ गई है माशाल्लाह। हाय 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 भाईजान दरवाजा खोलना। यार भाईजान मेरे पास ना वो रोकड़ा बहुत है, तो वो है आपके पास? दिखाऊं? नहीं, वो दिखाने की चीज नहीं होती, वो दिखाई नहीं जाती, वरना नजर लग जाती है। मैं आ तो जाऊंगा ना इसके अंदर, कोशिश करेंगे थोड़ी छत उठाने। आ जाऊं? बैठ के देखे। अभी तो फंस आ जाएंगे। रुके मैं एक मिनट उठाऊं यहां से। आ गए, ये तो मैं फंस गया। अब बताएं बैठे जा रहा है? इसको एक मिनट इधर रख दे, ये तो मैं फंस गया यार, उठाएं थोड़ी सी और। अब सही है, छोड़ दे। भाई अभी जा रहे हैं वो चीज लेने के लिए और एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इसको स्टार्ट तो करें। इसको कैसे स्टार्ट होगी? इसका बटन है ये रहा, पुश स्टार्ट है। पुश स्टार्ट है, यहाँ से इसको पुश करेंगे। हाँ। और 1, 2, 3 तो चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह वाह स्टार्ट हो गई। मर्सिडीज तो बहुत तेज भागती है उस्ताद, चेक कराऊं? हाँ दिखाएं। पहले हमने दबाया नोज। हाँ ये नोज है। हाँ उसके बाद हमने फुल। ओ भाई साहब, अरे ओ भाई, अरे बस। भाई फाइनली उसी जगह पर आ चुके हैं और उस जगह पे आने का एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ गया है। ये चेक करें आप लोग, वही वाला बास जो मैंने हाथ पर बिठाया था। ओ भाई साहब, इतने सारे परिंदों की शॉप में दोबारा से आ चुके हैं और अब अल्लाह करे जो हम लेने आए हैं वो मिल जाए। भाई उतरने का टाइम आ गया और पैसे को भी संभाल के रखना है। आई सर पे लगी। अरे बिस्मिल्लाह, हम अपनी लैंड क्रूजर से उतर चुके हैं। माशाल्लाह नजर न लगे किसी की। चलो, ये परिंदा मार्केट में आए हुए थे और ये भाई कुछ दिखाने वाले। क्या है? अबे ये ओ तेरी खैर। अरे भाई साहब वो पिंक कलर के खरगोश, ये रूह अफ़ज़ा की बोतल के साथ आते। चुक। यार ये तो मेरे जैसे लग रहे हैं बिल्कुल। मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? चेक करें कितने प्यारे प्यारे थे और इतने मासूम है, इनके अंदर से खुशबू भी आ रही है, बदबू आ रही है। यार ये बेचारा चूजा बेचारा मर गया। ये देखें पेट्स मार्केट में ये चूजा मरा हुआ यहाँ पे रखा। चलो हम इसको यहाँ रख देते हैं इसके ऊपर। चलो सही है, सेफ है। ये तो अपुन की स्टाइल जैसा है बिड़ू, ऐसे ही मेरे जैसे बाल है ना इसके। हाँ भाई ऐसा लग रहा है आपकी जैसी टोपी पहनी है इसने, फ्रंट पे टोपी पहनी है पीछे से बाल निकले हैं। ले लें कितने का पता भी आपको? 1.5 लाख रुपए का तोता है। मेरी जेब में 1.5 लाख होते ना मैं शादी कर लेता। अभी दो तोते भाई के हाथ में।
ओ भाई आपका भाई ऐसे फुल चीना चौड़ा करके भरम से चले। यार भाई अभी सीन ऐसा है, अभी मैं बता देता हूँ आपको मैं लेने क्या जा रहा हूँ। भाई मैं लेने जा रहा हूँ उल्लू, उल्लू लेने जा रहा हूँ। आपका भाई जा रहा है उल्लू लेने, आप चेक कर रहे हो मतलब? सोच भी नहीं सकता यार मैं उल्लू ले रहा हूँ, इतना डर लग रहा है। उल्लू का नाम लेके खौफनाक चीज होती है और बड़ी खतरनाक होती है, इतनी बड़ी बड़ी आंखें होती है, मेरे से भी बड़ी आंखें होती हैं ऐसे ऐसे। आपका भाई फाइनली ले रहा है और अभी वो उस उल्लू वाले को ढूंढ रहे हैं कि वो उल्लू वाला कहीं मिल जाए हमें। वो अभी मिल नहीं रहा है क्योंकि वो जो उल्लू वाला है ना वो वीडियो बनाने नहीं देता। मुझे उल्लू चाहिए, उल्लू है? नहीं उल्लू नहीं, उल्लू जैसा आदमी मेरे सामने है। उल्लू जैसा आदमी कहाँ है मुझे बोलने आप? उल्लू है तो सही आपके पास, मैंने देखा तो था, उधर रखा था उल्लू, देखूं क्या, जाके देखूं। चीज लेने जा रहे हैं जिस चीज को हमें लेना है और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। चलो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और अल्लाह का नाम लेते हैं और बस ले लेते हैं। चलो भाई बिस्मिल्लाह। डर लग रहा है, डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। वो भाई साहब डर लग रहा है, वो भाई साहब, वो भाई साहब, सही है सही है। ओ भाई ओ भाई, अरे भाई साहब, ओ भाई ओ भाई, ओ यार इतना खतरनाक है यार ये तो। ओ उस्ताद मेरे तो देख के दिल धड़क रहा है अचानक से। कभी आप लोगों ने इतना करीब से देखा उल्लू को? ये उल्लू है भाई, ये मारेगा तो नहीं? इतना गौर से देख रहा है मुझे, ये मारेगा भाई? दिन में नजर नहीं आता। अच्छा दिन में नजर नहीं आता, सही है सही है। ओ भाई साहब इसको मैं जरा हाथ लगा लेता हूँ। अच्छा अच्छा, जादू टोने वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है और इतना खतरनाक तोता है ये। आपकी सोच है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तोता नहीं है सॉरी उल्लू है, मेरी तो पट रही है भाई सुन सुन के भी। ओ भाई इधर तो बहुत अजीब अजीब सी चीजें यार, ये आपने कभी भी नहीं देखी, शायद सांडा है, बहुत खतरनाक है। यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है पता है आपको? वो एक कौवा भी रखा हुआ है इन्होंने, तो छुप के वीडियो बना रहा है आपका भाई। बिस्मिल्लाह भाई, कितने दिन है भाई? हम एक, ये एक दो तीन चार पाँच, पूरे पूरे सही है भाई, साढ़े छः है ना, चार पाँच सही है, हो गए सही है भाई, हो गया भाई, ये हो गया हमारा भाई साहब। फाइनली हमने पैसे दे दिए और उसको ले लिया। ये जो आपने देखी थी ना अभी थोड़ी देर पहले, ये तो ऐसे नीचे से फ्रेम बन के ऐसे वीडियो बन रही थी, तो यहाँ पे ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। ओ भाई साहब अभी मारता है यार ये मुझे, ओ भाई बहुत खतरनाक है उस्ताद ये। ये अभी फाइनली उल्लू की चीजें लेने के लिए आए हम, उल्लू की खरीदारी। यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पे पिंजरे वगैरह हर चीज इसकी मिल जाएगी। और हम इसके पैरों में डालेंगे, क्या डालेंगे? रिंग नहीं, बेल्ट, बेल्ट डालेंगे, बेल्ट डालेंगे जिससे ये उड़े ना, क्योंकि बहुत खतरनाक होता है और ये उड़ जाता है। और यहाँ पे आला आला किस्म की छोटी 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 चुड़ियां हैं, देखा कितनी मासूम मासूम सी छोटी छोटी सी चुड़ियां हैं यार। यहाँ पे तो मैं आया ही नहीं था, पहली बार आया। चुड़ियों की आवाज फील करें कितनी अच्छी है। अरे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह ताला की के इतनी खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ों वाली चुड़ियाँ बनाई हैं अल्लाह ताला ने। भाई साहब दस्ताने ले गए हम, ये दस्ताना बहुत ज़रूरी है भाई, वरना ये बेड़ा गरक कर देगा। ओ भाई साहब खौफ आ रहा है इसको देख के, इतना करीब से किसी ने भी नहीं देखा। ओ भाई मुझे देख रहा है ये, कुछ भी नहीं करेगा पक्की बात है। इतनी बड़ी बड़ी आँखें वो खोली हैं इसने ऐसे करके, ये सबसे ज्यादा खूबसूरत इसी की, बहुत खूबसूरत है यार माशाल्लाह। इसको बाज़-बाज़ अगर मारता भी है ना तो सिर्फ इसकी आंखों की वजह से। अच्छा छोड़ दो, छोड़ दूं? अरे भाई साहब आदत है सिर्फ एक दो मरतबा इसको, आदत है अभी थोड़ा सा ना पुराना हो गया। उधर देखो, उधर देखो, इधर हाथ हिला। ओ भाई मुझे ऐसा देख रहा है, इतना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा है यार। इसकी हालत देखो यूं हो रहा है ऐसे करके खड़ा है, डर लग रहा है। ओ भाई साहब फाइनली आपके भाई ने ये ले लिया और ये मुझसे इतना डर क्यों रहा है? ओ भाई साहब आप लोग चेक करो, मेरी तो टांगे कांप रही हैं भाई। भाई ये मेरा है भाई उल्लू, आपका भाई भी उल्लू है, ये भी उल्लू है, ये आप उनका दोस्त है भिड़ू, समझ रहे हो? ओबे भाई आप लोगों ने इतनी करीब से, इसके बच्चे को उल्लू का पट्टा कहता है भाई, बच्चा क्या मतलब नहीं कह सकते क्या? गाली के जुमरे में नहीं आ रहा। उल्लू जो है ना वो बहुत खतरनाक जानवर है, उसने देखें अभी ये जो मैंने हाथ पे उठाया था ये देखें क्या हुआ है, यहाँ से इसने चोंच मारी है और ये देखें यहाँ पे खरोच लग, खून भी निकल रहा है। उल्लू तो अल्हम्दुलिल्लाह ले लिया है और उसके पैसे भी दे दिए। आप लोग गैस करें कि ये उल्लू कितने का हो सकता है, और आप लोग कमेंट में ये भी बताओ कि इस उल्लू का मैं क्या करूं। उल्लू को हमने सेफली तरीके से नीचे रख दिया है और अब मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े ही काम की बात। उल्लू जो है ना वो एक नॉर्मल सा परिंदा है, जैसे तोता होता है कबूतर होता है उसी तरीके से सेम उल्लू भी वैसे ही परिंदा है, मगर उल्लू को लोग इतना ज्यादा मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि भाई ये मनहूस परिंदा है। देखें मनहूस परिंदा कोई नहीं होता, आप लोगों में कह रहा हूं मनहूस परिंदा कोई नहीं होता, ये भी अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है
और एक वक्त तक ना, एक जमाने तक उल्लू जो है ना वो हमारे साथ ही रहता है, नहीं है सही बात? मगर एक वक्त ऐसा आया कि इंसानों से इसका भरोसा उठ गया। उठने की वजह से ये उल्लू जो है वो जंगलात में चला गया, तो जंगलों में चला गया और फिर इन लोगों ने अपनी रिहायश पजीर जो थी वो जंगलों में करना शुरू कर दिया। और इस उल्लू की एक और बात बताऊं, बता दें हम बता दें उल्लू जो है ना वो इतना खतरनाक जानवर है, इससे लोग बद काम भी करवाते हैं, मतलब गंदे काम भी करवाते हैं। अल्लाह ताला उन सबको हिदायत दे, मैं तो यही दुआ कर सकता हूँ उनके बारे में, क्योंकि एक जानवर से आप ऐसे ऐसे काम करवा रहे हो, अल्लाह ताला माफ फरमाए, इतनी खौफ की बात है ना ये। मैं सोच के ना मैं लरस गया था कि यार उल्लू से ये सब चीजें करवाते हैं। अल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको इस चीज से महफूज फरमाए। देखिए जादू जो है ना वो बरहक है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी जादू हुआ था कि उल्लू के नाखून से जादू होता है, उल्लू के खून से जादू होता है, उल्लू की चोंच से, और वो सब चीजें लोग बेचते हैं यार। जो इंसान जादू करता है या करवाता है वो दोनों जानूंगी, ये तो जानूंगी है वो अलग बात है। हाँ, लेकिन वो इस्लाम के दायरे से खारिज कर दिया। लो यार बात ही खत्म हो गई। उल्लू जो है वो एक नॉर्मल सा पर है, डरने की हमें कोई जरूरत नहीं, समझ गए आप लोग? सही बोल रहे हैं, दो पैसे के लिए मत फिरो यार। सही बोल रहे हैं, दो पैसे के लिए, दो पैसे के लिए फिर रहो यार, सही बात के लिए फिर रहो आप। सही बात है, वहाँ जाओ ना, जा कातिल है यार, इमरान खान के गोली लगी, उसके कातिल को पकड़ो ना, उसका एक बंदा शहीद हो गया, उसको आप चलेंगे साथ मेरे? मैं क्यों जाऊंगा, तुम नोट काहे के लिए कमा रहे हो? मैं कहाँ कमा रहा हूँ नोट, ये क्या लिए फिर रहो? मेरे जेब में एक रुपया भी नहीं, कोई बर्तानिया दे रहा तनख्वाह क्या यार, बना के फिर रहो, ये लेके ऐसे ही ड्रामे कर रहे हो। उधर जाओ ना पंजाब, जाके पिंडी जाओ, उनके कातिलों को पकड़ो जाके। अंकल बैड हैज हो गए भाई, ये तो बहुत खतरनाक निकल। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है, वहाँ हमारा पड्डा हो गया तुम्हें। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अबे क्या चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कौन सी दुनिया में आ गया हूँ भाई, वो शोर है जो मचाता बजा रहा है। अबे भाई साहब ये तो पीछे आ गया अंकल। अरे भाई अरे भाई अरे भाई अरे भाई, ये देखें ये अंकल, अब इसको हम डाल रहे हैं गाड़ी के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, अम्मा को जब मैं दिखाऊंगा, मेरी जो वालदा है मोहतरमा है, वो जब देखेंगी तो उनका क्या रिएक्शन होगा, वो भी बड़े मजे का देखने वाला होगा। ये ग्लव्स मैंने इसका ले लिया हाथ में, क्योंकि भाई ये ग्लव्स बहुत जरूरी है, अगर ये ग्लव्स नहीं होगा ना तो ये देखें इसने मेरा क्या हाल किया है। ये चेक करें, ये यहाँ पे चोट लगी है मेरे, और इसने मेरे यहाँ पे काटा है खतरनाक तरीके से, ये देखें नजर आ रहा हो तो। ओ भाई साहब बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत खतरनाक चीज है भाई ये। डिग्गी में डालना है, सीट पे बिठा के लेके जाएंगे, प्रोटोकॉल है भाई इसका, एक बंदा इसको पकड़ के रख ले। हाँ चलो भाई बिस्मिल्ला, अब इसको मुझे पकड़ के बैठना है, असल मसला ये। चलो भाई बिस्मिल्ला, ये काट ना ले उस साथ मुझे, बस इसको यहाँ से ऐसे करके पकड़ लेंगे। वो भाई साहब बस यहाँ रख दें इसको, मैंने यहाँ रख लिया है भाई, और डर भी लग रहा है भाई मुझे तो। वो भाई साहब उल्लू के साथ बैठा हुआ, ऐसा मैं कभी जिंदगी में नहीं समझ सकता था कि मैं उल्लू के साथ बैठूंगा। भाई जान अभी सीन ऐसा है कि आपको फुल छपाटर बॉय की तरह भगा देनी है। डन हो गया। वो भाई साहब हाँ उन्हें ये नहीं उड़ेगा। इसको मैंने ऐसे करके पकड़ा हुआ इस तरफ ना सीट पर, और अब अम्मा का रिएक्शन देखने वाला होगा, बड़ा खतरनाक किस्म का। ओ भाई मुझे तो लग रहा है अम्मा मुझे घर से निकाल लेंगी, बोलेंगी उल्लू तू ले आया, अब तू निकल यहाँ से। दिल जो है ना ऐसा लग रहा है अभी बाहर आ जाएगा, और इतनी छोटी सी गाड़ी, उल्लू का मुंह भी मेरा करीब, ये चेक करो आप कितना खतरनाक लग रहा है। उल्लू भी खतरनाक, आपका भाई भी खतरनाक, इसके पंजे इतने खतरनाक है। एक तो इसने मेरे हाथ में इतना खतरनाक देखें सुराख कर दिया, और ये देखें इधर भी इसने खतरनाक वाला सुराख कर। बस अब ये है कि अल्लाह अल्लाह करके इसको घर लेके जाके, और इसको हम पिंजरे में डालेंगे। अभी इसका पिंजरा भी लेकर आना है, पिंजरा भी मेरे पास नहीं है, और मतलब मैं जिस तरीके से इसके साथ बैठा हूँ ना, इसको यहाँ से पकड़ के, क्योंकि अगर मैंने इसको यहाँ से छोड़ा ना, इसकी टांगों में तो बंदी भी है मगर इसके पर नहीं बंधे हुए, और ये शीशा भी खुला हुआ है। इसको वैसे नज़र नहीं आता दिन के वक्त, और पता नहीं अब क्यों नहीं नज़र आता है, अल्लाह ताला की तरफ से है कि दिन के वक्त इसको नहीं दिखता, रात के वक्त इसको बड़ा खतरनाक दिखता थोड़ा सा। देखें झटपटा भी रहा है, उड़ने की कोशिश कर रहा है, मगर इसको मैंने छोड़ना नहीं है। वो जो पठान है ना उसने बोला है भाई इसको छोड़ना मत, तुम कुछ भी कर दे इधर उधर चला जाए, मगर तुम इसको छोड़ना मत। भाई उल्लू भाई आप मुझे ऐसे मत देखे, मुझे डर लग रहा है, आप मुझे कुछ करेंगे तो नहीं ना? मैं तुझे खा जाऊंगा, तेरा तिक्का बोटी बना के खाऊंगा। नहीं 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 उल्लू भाई ऐसा मत करे प्लीज, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई उल्लू भाई। भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो फहद को, वरना मैं तुम सबको भी खा जाऊंगा। ठीक है उल्लू भाई, ये समझ गए आपकी सारी बातें। उल्लू भाई आप टेंशन मत लें, बस घर आने वाला है, बस घर आ गया थोड़ा सा रह गया। उल्लू भाई आप गुस्सा मत करें प्लीज। हाँ मैं तुझ पे गुस्सा नहीं करूंगा, मगर जल्दी से घर पहुँचा मुझे। जी जी उल्लू भाई बस आने वाला है, मैं ना आपको अपनी मम्मा से भी मिलवाऊंगा। ठीक है? अच्छा ठीक है। उल्लू भाई आप कुछ करेगा नहीं मुझे? बिस्मिल्लाह, अपने घर पे आ गए हैं और अब सिचुएशन है इसको घर के अंदर लेके जाना है। गुस्सा कर रहा है, कर रहा है इसने। टेंशन मत लें, आपको बिल्कुल सेफली तरीके से मैं घर पहुंचाऊंगा। उल्लू भाई टेंशन नहीं, उल्लू भाई गुस्सा नहीं,
मैं गुस्सा आ रहा है मुझे, वो मेरे साथ अगर कुछ गलत करेगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जी जी उल्लू भाई टेंशन नहीं ले, मैं आपको बिल्कुल सेफली तरीके से लेके जा रहा हूँ। उल्लू भाई चाबी से दरवाजा तो खोलने दे। जल्दी खोल, मेरे पास टाइम नहीं है। अच्छा उल्लू भाई एक मिनट, चाबी क्या, यह चाबी निकालना उस्ताद, अभी मेरा ट्राउजर ना उतर जाए। दरवाजा खोल। मैं फाइनली फहद रहमान के घर पे आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ ऊपर, तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। दरवाजा तो बंद कर दो। उल्लू भाई एक मिनट, मैं कर, आप कर देना ऐसा करें। चलो ठीक है मैं कर देता हूँ। मम्मा उल्लू भाई को ले आया हूँ। उल्लू भाई आ गए हैं। उल्लू भाई, उल्लू भाई आ गए हैं। ये उल्लू भाई हैं। मम्मा बहुत खतरनाक है भाई, काटता है, हाथ लगा के देखें। नहीं नहीं इसकी जो चोंच है ना, लो लो। हाथ लगाएं, हाथ लगाएं, आपको डर नहीं लग रहा? आंखें देखो ना, आंखें डराता है, आंखों से तो डराता है। उल्लू भाई, उल्लू भाई की आवाज सुना मम्मा? मैं सबको खा जाऊंगा। इसको रख लें हम घर में, रख लें। इसकी पिंजरा है? पिंजरा नहीं है इसका ना, हम उसमें रख लेते हैं मच्छरदानी में। नहीं ना, क्या हो गया फहद? अरे हाँ ना मम्मा, पिंजरा मच्छरदानी में रख रहा हूँ। हाँ ना बस सही है। मुझे तो डर लग रहा है इसको रख के। मच्छरदानी कहाँ रखोगे तखत पे? नहीं नहीं हाँ हम रखते हैं ना, सबर तो करें। आप मच्छरदानी उठाएं, जल्दी से आए मच्छरदानी, वो जो मेरी वाली है, जल्दी से आए। इस जगह पे रखें, इधर रखें, इधर रखें मम्मा। उल्लू भाई गुस्से में आ रहे हैं बहुत, बस हट जाएं आप। नहीं नहीं वो हमारा बिल्ला कुछ भी नहीं करेगा, टाइगर वाइगर का टेंशन नहीं ले। जिप खोले मम्मा, ये जिप खोले। देखो कैसा गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। ये क्या कर लिया? अरे मम्मा मैं क्या करूँ, मुझे इतना शौक हो रहा था उल्लू भाई को रखने। शौक के बच्चे, बस इसको बन रहने दो ना। हाँ ठीक है ठीक है, टाइगर को नहीं आने देना, वो डरेगा। टाइगर इतना बड़ा है मम्मा ये, और शौक हो रहा था बस। मगर उल्लू भाई इतना गुस्सा कर रहे हैं, इतना गुस्सा कर रहे हैं। अभी आप चेक करें, ये देखें वो भाई। उल्लू भाई, उल्लू भाई कुछ नहीं हो रहा। अरे उल्लू भाई, उल्लू भाई, अरे भाई इसके लिए पिंजरा लाना पड़ेगा, ये वरना पिंजरे के बगैर कुछ भी नहीं है, सरवाइव कर सकेगा। इतना मोटा फूल गया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, प्यारा सा बच्चा लग रहा है, इतना मोटा सा हो गया बिल्कुल। उल्लू भाई को थोड़ा गुस्से में। उल्लू भाई सुनो मेरी बात, उल्लू भाई मेरी बात सुनो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप फहद भाई के घर पे हो, बिल्कुल सेफ हो आप। उनके चुंगल से मैंने आपको लेकर आ गया हूँ, आप टेंशन नहीं लो उल्लू भाई। हाँ ठीक है, जल्दी से मेरे लिए पिंजरे का इंतजाम करो वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उल्लू भाई बस, उल्लू भाई बस, उल्लू भाई इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, उल्लू भाई इधर आ जाइए, आपने पोटी भी कर दी हूँ सामने। ये देखे मैं अभी आपको ना, टाइगर बिच्चू अभी मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। क्या हुआ? तुम्हारा दोस्त आया है? हाँ देख रहा है टाइगर, देख रहा है उसको। टाइगर तुम्हारा दोस्त है, टेंशन नहीं लो। तो लगता है मच्छरदानी ज्यादा दिन तक टिकेगी नहीं, क्योंकि ये देखें पूरा छेद वेद होना शुरू हो गया। और उल्लू का गुस्सा चेक करें आप बस। ओए भाई साहब बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, और बड़ा कितना है यार। ओ भाई साहब बहुत जाइंट उल्लू है भाई।